अखबार में बड़ी मुश्किल से न्यूज छपे, ये आप मुझे बतला रहे क्या? बस एक हम उसकी यादगार बनाए रखने के लिए कि सबके दिलों में एक उसका नाम जिंदा रहे और उसको एक अच्छे उससे याद किया जाए और आगे भी बच्चियों को यही प्रेरणा मिले कि आगे से आगे होके सब बढ़कर आएं और उसको खेल को आगे जारी रखें और इम्प्रूव करें। बस यही हमारा संदेश है कि लड़कियां आगे होके आएं। हाँ, वो विलियम्स गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी देहरादून में और क्लास 5 से उन्होंने ज्वाइन करा वहाँ पे और वो बहुत एक चुलबुली जैसे एक बहुत हर चीज़ में इंटरेस्ट लेने वाली लड़की और बहुत ज़्यादा उसको शौक था हर चीज़ का और हम लोग को जैसे मैं उसकी मदर हूँ और भावना के फादर को भी हम लोग और उसके ब्रदर को भी सब स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड में मतलब हम स्पोर्ट्स काफ़ी खेलते हैं तो उसने भी उसी चीज़ को चुना। एक अपना बास्केटबॉल बहुत अच्छा खेलती थी और लॉन टेनिस का उसको बहुत शौक था और उसने स्कूल में भी ये वहाँ पे खेलने का जारी रखा तो हमको उसका यही एक बढ़ावा देने के लिए बच्चियों को तो हमने एक इस खेल को चुना। बिल्कुल, देखिए ये तो है ही हमारे समाज में, अगर हम आगे नहीं आएंगे बेटियों के लिए तो जो हमारे और लोग हैं सोसाइटी के वो कैसे सीखेंगे। तो ये भी एक संदेश इस ज़रिए हम पहुंचाना चाहते हैं समाज को कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती, उनको एक अच्छी गाइडेंस मिले तो वो बहुत आगे होके आ सकती हैं और हमारे देश को एक इंडिया को बहुत इंस्पिरेशन और बहुत अच्छा रहे उसकी। देखिए जैसे हमारी और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जब हम जाके खड़े होते हैं देखते हैं लड़कियां कितनी कॉन्फिडेंस से पूरा आगे होकर हर चीज़ किसी भी ऑफिस में देख लिए जे आप किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ में या किसी खेल में स्पोर्ट्स में सारी जगह आगे देखती है तो हमारी कंट्री ही और हमारा एक मुजफ्फरनगर ही क्यों पीछे रह जाए। अगर हम इनको बढ़ावा देंगे तो ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं।